पता नहीं आप में से कितने लोगों ने लॉकडाउन के दौरान एक बात महसूस की या नहीं। वो बात थी मौसम के साफ होने की। गाड़ियों के बंद रहने से प्रकृति को खुद को तैयार रहने का मौका मिला। लेकिन अगर हम प्रकृति का थोड़ा साथ दें तो बिना लॉकडाउन किए हवाएं साफ हो सकती हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गाजीपुर ने शायद इस बात को समझा है। गाजीपुर समेत पूरे प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया गया। इस कड़ी में प्रमुख नाम रहे गाजीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। एसपी गाजीपुर ने पुलिस लाइन में पौधरोपण किया। उनके साथ सीओ ओजस्वी चावला और अन्य पुलिस अधिकारी जवान मौजूद रहे। इसी तरह कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा और यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने भी पौधरोपण किया। गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी पौधारोपण के इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एसोसिएशन के तत्वावधान में गाजीपुर जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में आम घाट पार्क में पौधारोपण किया गया। जिला अध्यक्ष नागमणि मिश्रा ने कहा, जिले को हरा भरा बनाने के अभियान के तहत 15 अगस्त तक पूरे जिले में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आपका परिचय? मैं नागमणि मिश्रा, जिला अध्यक्ष गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन गाजीपुर। मिश्रा जी, आप लोग यह पौधारोपण किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये पौधारोपण किया है और ये पौधारोपण कंटिन्यू 2016 से माननीय श्री ब्रिजेश पाणा जी महामंत्री गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पहल पर ये होता रहा है, कंटिन्यू होता रहा है। इस साल गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ये संकल्प लिया है कि 15 अगस्त तक, स्वतंत्रता दिवस तक, गाजीपुर पूरे जिले में, जिले के सारे पदाधिकारी मिल करके, सारे कार्यकर्ता मिल करके 1000 पौधे लगाने का आज के डेट में हम लोग संकल्प लेते हैं। यह अभियान कितने वर्षों चल रहा है आप लोग? लगभग 2016 से कंटिन्यू चल रहा है। एसोसिएशन ने आज जिले में लगभग 150 पौधे लगवाए। 10 पौधे आम घाट पार्क में लगाए गए। 40 पौधे कटरिया करंडा में जिला महामंत्री ब्रिजेश पांडे ने लगाए। मोहम्मदाबाद के केमिस्ट तनहाई भाई के नेतृत्व में 40 पौधे लगाए गए। कासिमाबाद में मनोज जायसवाल के साथ मिलकर केमिस्ट भाइयों ने पौधे लगाए। जंगीपुर में जावेद अंसारी के साथ लोगों ने मिल पौधे लगाए। इसी तरह हंसराजपुर में उमेश के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। नंदगंज भदौरा जमानिया में भी केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने पौधे लगाए। आम घाट पार्क में पौधारोपण के समय उपाध्यक्ष अश्विनी राय, संगठन मंत्री राकेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, अभय प्रकाश, कृष्ण मुरारी केडिया, राजेश राय, अतुल अग्रवाल, मुकेश श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, रवि केडिया, राजीव भारती, अन्नू राय, आदेश, सौरभ राय, आशीष राय, आम घाट वार्ड के सभासद सोमेश राय, प्रदीप चतुर्वेदी आदि ने सहयोग किया। गाजीपुर की भलाई के इस काम में फिर वेलफेयर क्लब गाजीपुर कहां पीछे रहने वाला था। इस क्लब के तत्वावधान में आम घाट स्थित गांधी पार्क में पौधरोपण किया गया। मुख्य अतिथि माननीय अनिल कुमार सिंह, जिला पंचायत राज्य अधिकारी एवं क्लब अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने पर्यावरण संकट को संपूर्ण विश्व का संकट बताते हुए धरती को हरा भरा रखने के लिए पौधरोपण के साथ लगाए गए पौधों को बचाने की प्रेरणा भी दी। शरद कुमार वर्मा, अध्यक्ष वेलफेयर क्लब गाजीपुर। डॉक्टर साहब, आपका संगठन इस उपलक्ष्य में पौधरोपण कर रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण प्रदूषण विश्व का एक बहुत बड़ा संकट है। इसके लिए हम लोग पिछले 24 सालों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। 2002 में हमने मिशन ग्रीन वसुंधरा शुरू किया, जो हर वर्ष 5000 पौधों लगाने का लक्ष्य लगाती है। पूरे जनपद भर में विभिन्न विद्यालयों में जहाँ जहाँ खाली कैंपस मिलता है वहाँ पर हम लोग पौधरोपण करते हैं और पौधरोपण से ज़्यादा हम लोग पौधों को बचाने पर बल देते हैं। आज पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ आम घाट पार्क गाजीपुर में बृहद वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग उन पौधों को बचाएंगे। इस अवसर पर क्लब के जनपद गवर्नर पवन पांडे, ग्राम विकास अधिकारी, संघ के जिला अध्यक्ष सूर्यभान राय, धर्मेंद्र कुमार, आशुतोष सिंह, अभिषेक सिंह, अजय दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन क्लब पीआरओ अमन प्रजापति ने किया। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को